अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल उमर कराची। और इसी के साथ इस नए ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। मैं कल गया था ग्लोबल विलेज, सिर्फ मैं नहीं गया था, आपकी भाभी मेरे साथ गई थी। यस, आपकी भाभी भी दुबई आ चुकी है हमारे साथ, यहीं हैं वो, अभी सो रही हैं। मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था, मुझे याद आया कि मैंने तो इंट्रो शूट ही नहीं किया, तो वो अभी शूट कर रहा था मैं। ब्लॉग एडिट हो चुका है, अब बस आगे का ब्लॉग एंजॉय करो, एंड तक देखना है, बहुत मजे का ब्लॉग होने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं ग्लोबल विलेज इन दुबई। ये रहा बिल्कुल मेरे सामने, और हमारे साथ एक नया मेहमान जुड़ा है। अभी तक आप लोगों ने मेरा अकेले का ब्लॉग देखा था, लेकिन अब आ चुकी हैं आपकी भाभी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हाँ, तो अभी हम टिकट लेंगे, आज मैं और आपकी भाभी मिलके एक्सप्लोर करेंगे ग्लोबल विलेज। मज़ा आने वाला है, ब्लॉग में जुड़े रहें और इस ब्लॉग को एंड तक देखें। जी, हमने टिकट्स ले ली हैं और एक टिकट हमें पड़ी है 20 दरहम की, चाहे वो विजिटर हो या रेजिडेंस हो, दोनों की टिकट 20 दरहम्स हैं। अंदर आ चुके हैं और सामने ही हमारे लेफ्ट साइड पे इंडिया का पवेलियन है, तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि सबसे पहले हम इंडिया के पवेलियन में ही जाएं, और उसके आगे कतर है और काफ़ी सारे ईरान वगैरह ये सब भी हैं। पहले हम इंडिया वाले में जाएंगे, फिर हम ईरान वाले में। ओके, चलो लेट्स गो। खर्चा खर्चा खर्चा, कोई कहानी नहीं है, ये सारा इंडिया का है ना? वाह, ज्वेलरी, ये ज्वेलरी है इंडियन? वाह, मैं ब्लॉगर कम और कैमरामैन ज़्यादा लग रहा हूँ। तो जी, ये इंडिया के स्टैचू ऑफ यूनिटी का यहाँ पे एक छोटा सा वो बनाया। It's now time for us to enjoy the performances that our talented kids have so meticulously prepared for. अभी आपने जो परफॉर्मेंस देखी वो थी इंडिया के पवेलियन में, वो पता नहीं, वो ऐसे थोड़ा डांस वांस कर रहे थे ऐसे ही रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी फ़िलहाल हम इंडिया के पवेलियन से बाहर जा रहे हैं, और यहाँ पे बेसिकली ये पूरा बाज़ार है इंडिया का, जो इंडिया का आपको हर एक सामान मिलेगा यहाँ पे। बट हमें कुछ नहीं चाहिए, हम यहाँ पे सिर्फ अभी एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, तो अभी हम फ़िलहाल वही कर रहे हैं, कहीं से कुछ भी नहीं लेना हमें। कुछ अच्छा मिला तो लेना है, लेना। तेरा इंडिया का पवेलियन बाहर से कुछ इस तरह दिखता है ये, और बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है यार, माशाल्लाह। अब हम किधर जाने वाले हैं? अभी मैं सोच रहा हूँ, आई थिंक सबसे पहले चलते हैं फलस्तीन, क्योंकि सामने वो भी कतर भी है। सबसे पहले फलस्तीन, फलस्तीन चलें। वो रहा फलस्तीन का पवेलियन, अब हम जा रहे हैं इसके अंदर, बहुत ही खूबसूरत है यार। आगे कुछ तो चल रहा है, देखते हैं क्या चल रहा है। सो जी, फलस्तीन वाला पवेलियन देख के भी हो गया है, हम जैसे ही अंदर गए वहाँ पे अंदर परफॉर्मेंस चालू थी, हम देखने में एंजॉय करने लग गए, और थोड़ा सा शूट किया मैंने क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने कैमरा बंद किया, मैंने बोला छोड़ो भाई, और इधर देखो फाउंटेन। कौन से पवेलियन में जाने वाले हैं? अब हम कतर। तो कतर के पवेलियन में भी आ गए हम, और यहाँ पे भी ये ज़्यादातर जो हैं ये मार्केट्स वगैरह, जो आप कतर का सामान आपको जो पसंद आए आप वो यहाँ से ले सकते हैं। बेसिकली ये पवेलियंस जो हैं यहाँ पे आपको सिर्फ सामान ही मिलेगा, इसलिए ये पवेलियंस बनाए गए हैं ताकि दुनिया भर से लोग आके दुनिया भर का सामान यहाँ से लेके चले जाएं। कोई कतर नहीं जा सकता तो वो यहाँ पे आके आ जा सकता है, कोई इंडिया नहीं जा सकता तो वो यहाँ पे आ जा सकता है। जैसे कि हम पाकिस्तानी इंडिया नहीं जा सकते, हमारा वीज़ा नहीं लग सकता, तो हम यहाँ से आके कुछ इंडियन सामान ले सकते हैं, इंडियन खाने खा सकते हैं,
और ऐसे ही कतर में जा सकते हैं। अभी कतर की परफॉर्मेंस शायद हो चुकी है, यहाँ पे शायद हो गई है। कतर का पवेलियन तो हम लोग अंदर घुसे और चलते चलते बाहर भी आ गए, पता भी नहीं चला। खैर तो अभी हमारे सामने रोड ऑफ एशिया, तो जी ये है रोड ऑफ एशिया। आई डोंट नो बट अंदर जाके ही देखना पड़ेगा कि बेसिकली ये है क्या। स्टॉल्स लगे हुए हैं यार। चाइना के पवेलियन में चले। मैं तो नहीं जा रहा, कोरोना वायरस हो गया। नहीं नहीं बाद में चलेंगे, चलो अभी अभी इधर आइए। अफ्रीका अफ्रीका मैं जा रहा हूँ। कोरोना वायरस करवाएगी। मैं COVID-19 का टेस्ट नहीं करवाऊंगा। तो जी अब हम चाइना के पवेलियन में हैं, तो अब यहाँ का भी थोड़ा नज़ारा देख लें। अब हम रशिया के पवेलियन के बाहर हैं और अब हम अंदर जा रहे हैं। सामने परफॉर्मेंस चल रही है रशिया की। नाउ टाइम टू अफ्रीका पवेलियन। वो आओ सारा येलो 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 है पूरा। अफ्रीका का पवेलियन भी काफ़ी बड़ा है, मतलब जो बड़ी कंट्रीज हैं उनका बड़ा पवेलियन बनाया गया है। कहाँ जा रही है? ओह वाओ, क्या आपको लेना है अपने लिए? आपका मुंह वैसे भी अच्छा नहीं है। अफ्रीका का पवेलियन भी हमारा कंप्लीट हो गया। असल बात यह है कि हम अंदर घुस रहे हैं और घुसते के साथ चलते चलते पवेलियन खत्म हो जाता है। कुछ मिला मतलब ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं। और मुझे कुछ मिला। क्या मिला? पाकिस्तान बोरा। मुझे मिला पाकिस्तान। जी जहाँ भी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे बारी बारी करके सारे पवेलियंस के परफॉर्मेंस होते हैं। बैंक हाइस्ट। कोरिया मैं ऐसे दिखा दूँ आप लोगों को तो मज़ा आया। वो छोटू सा है लेकिन उससे पहले हम लोगों ने वो परफॉर्मेंस देखी, उसमें इतना मज़ा आया। इस क्लिप से पहले हम परफॉर्मेंस देखेंगे, बहुत मज़े की थी। हम पूरी तो कैप्चर नहीं करता और व्लॉग भी हम पूरी नहीं डाल पाएंगे, लेकिन नो डाउट बहुत 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 मज़ा आया। अच्छा जी, कोरिया से हो आए हैं, सामने हमारे जापान और वो अमेरिका। अभी हम लोग ये प्ले एरिया की तरफ आए हैं। हाँ, मैंने जापान दिखाया। अभी हम लोग ये प्ले एरिया की तरफ आए हैं, आगे चलते हैं। मुझे पाकिस्तान में जाना है। अच्छा, उमर ये बोल रहा है कि क्या अभी पाकिस्तान से तो आए, पाकिस्तान देख क्या करें। मुझे देखना है कि हमारी कंट्री को यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करा जा रहा है। तो लेट्स सी। ओ थाईलैंड। थाईलैंड जाना है? चलो मैं ऐसे ही ले जाती हूँ आपको। लेट्स गो, अभी हम चलते हैं थाईलैंड। ज़रा देखते हैं। अभी हम थाईलैंड में एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ सबसे मज़े की चीज़ ये है यार, यहाँ ड्रेसेस बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। ड्रेसेस बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, नो डाउट। लंबे लंबे से गाउन हैं और बहुत सारी चीज़ें। सबसे प्यारे जो है ना वो यहाँ ड्रेसेस ही हैं। चीज़ें भी बहुत प्यारी हैं यहाँ। हर कंट्री में जो लिबास पहना जाता है, जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, यहाँ ज़्यादातर वही चीज़ें सेल होंगी। व्हाट आर ड्रेसेस? This one is nice.
ये सब ड्रेसेस हैं, ये इनका फूड है जो ये लोग खाते हैं। उमर उमर जाना है, जाना है, जा सकते हैं। जी हम यहाँ पे हैं अमेरिका के पवेलियन के बाहर और अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अमेरिका पवेलियन। तो चलो दिखाते हैं आपको अमेरिका का पवेलियन। हाँ, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो फाइनली जी इस पवेलियन का हम लोगों ने ढूंढ ढूंढ के हमारा थोड़ा सा हालत टाइट हो गई, लेकिन फाइनली ये पवेलियन हमें मिल गया, हमारा अपना पवेलियन। ये रहा हमारा पाकिस्तान का पवेलियन। तो अभी इसके अंदर जाके देखना है। मैंने यहाँ आने के लिए बहुत जद्दोजहद की, मुझे देखना है कि हमारा पाकिस्तान कैसा लगता है यहाँ। तो अभी जाके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सो हियर वी गो इन पाकिस्तान। वाओ, अच्छा यार, काफ़ी खुला खुला है। नहीं, अच्छा हमारे यहाँ परफॉर्मेंस नहीं होती। ये पाकिस्तान है, हमारी कंट्री का पवेलियन है ये। बट ये तो नहीं होते वहाँ पे। अच्छा मैंने नोट किया कि ये गाउन जो है ना, ये हाउस में है ना, ऐसा है ना। सर्दी आएगी यहाँ पर, ये आपके लिए चप्पल है। मेरा पाँव देखा, ये चप्पल आपके लिए है। मुझे लग रहा है कि मैं सदर में घूम रहा हूँ, बोरी बाजार में। मुझे सदर वाला फील आ रहा है, मुझे कुरंगी छे वाला फील आ रहा है। तो जी हमारा हो गया फाइनली पाकिस्तान का पवेलियन, देख लिया हमने और आपको भी दिखाया। कैसा लगा आप लोगों को? हमें तो पसंद आया कि हमारे पाकिस्तान को यहाँ पे इस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा सामान था अंदर, काफ़ी अच्छा बाज़ार लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था सदर की बोरी मार्केट में घूम रहे हैं हम। लेकिन खैर अभी बस शायद हो चुका है और अब बस यहाँ से निकलेंगे घर की तरफ। अच्छा, मेरे ख्याल दूसरी कंट्री में आके जब यहाँ हमने अपना पाकिस्तान देखा तो मज़ा आया। सबसे फनी बात यह है कि यूएई में यूएई का ही बना हुआ है पवेलियन। ये रहा, यहीं पे तो हैं अभी हम दुबई में, और क्या क्या देखना है। बुर्ज खलीफा थोड़ी होगा अंदर, लेकिन यार नो डाउट यहाँ बंदा आए भरपूर पैसे लेकर, क्योंकि यहाँ के जो लड़कियों के जो ड्रेसेस हैं वो बहुत ऑसम है, बहुत 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 बहुत, इसलिए मैं लेके नहीं जाता इसे। खैर तो बस इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। और भी बहुत सारे पवेलियंस थे बट हम आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि टाइम की कमी है और ब्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर सारे पवेलियन दिखाने बैठ गया तो। तो यहाँ पे इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दोबारा आएंगे, यहाँ पे हमारा माइंड है। और फिर जब आज जो पवेलियन नहीं कवर करे वो हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। और इंशाल्लाह इसके बाद दुबई के अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, दुबई एक्सपो के, बुर्ज खलीफा वगैरह के। खैर तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड कर दो और अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। बाय बाय, बाय।